नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोटेक्निक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पीके। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हो कि कौन से स्विच बोर्ड में कितनी स्विचें लगती हैं या फिर कितने मॉडल की स्विच प्लेट में कितनी स्विचें लगती है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखते रहिए। ये वीडियो आपके लिए ही है। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो वुडेन स्विच बोर्ड होती है, जो कि लकड़ी की स्विच बोर्ड होती है, जिसके ऊपर सरमाइके की एक प्लेट लगी होती है, उस स्विच बोर्ड का कोई लिमिटेशन काउंट नहीं होता है कि उसमें आप कितना स्विच लगा सकते हो। मतलब उसमें आप अपने सुविधा अनुसार जितना चाहो उतना स्विच लगा सकते हो। तो जितना चाहो उतना स्विच लगा सकते हो से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जितना चाहो उतना लगा सकते हो। मतलब उसमें भी एक लिमिट होती है, जितना कि उसमें जगह होता है, जितना कि प्लेट, जितनी बड़ी प्लेट होती है उसमें जितना स्विच आ जाए आप उतना लगा सकते हो। आप खुद से उसमें कटिंग करना होता है, स्विच की जगह के लिए कटिंग करके, और आप उसमें आसानी से स्विच को लगा सकते हो। मगर ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा सरमाइके का प्लेट जो है वो स्विचों से ही भरा हो। ज़्यादातर ये होता है कि कई सारे उसमें जगह जो है वो खाली बचे होते हैं, बहुत सारे जगह खाली होते हैं, तो इस तरह से उसमें होता है। बट लेकिन अगर आप चाहो तो उसमें स्विच की जगह बना सकते हो आप आसानी से। मगर अगर हम बात करते हैं मॉड्यूलर स्विच प्लेट की, तो इसका बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। अगर हम बात करते हैं मॉड्यूलर स्विच प्लेट की कि कौन से स्विच प्लेट में कितनी स्विचें आती हैं, तो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जितने मॉडल की स्विच प्लेट होती है उतना स्विच उसमें आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टू मॉडल की स्विच प्लेट है तो उसमें दो स्विचों की जगह होती है, दो स्विचें उसमें आएंगी। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं फोर मॉडल की स्विच प्लेट का, तो उसमें चार स्विचों की जगह होती है, चार स्विचें हम उसमें लगा सकते हैं। अगर हमें चार स्विचें ना लगानी हो, एक सॉकेट लगाना हो, तो हम उसमें एक सॉकेट और दो स्विच लगा सकते हैं। मतलब एक सॉकेट तो दो स्विच का जगह लेता ही है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कौन से स्विच प्लेट में कितनी स्विचें लगाई जा सकती है। तो गाइस, फाइनली मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इलेक्ट्रिकल में नए हो और नए नए इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहे हो, तो आपके दिमाग में अगर कोई डाउट चल रहा हो किसी प्रकार का, जिसके बारे में आपने यूट्यूब पे देखा हो और वीडियो ना मिला हो, तो प्लीज़ आप उस बारे में मुझे बताइए, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। या फिर आप हमसे जुड़े रहने के बहुत सारे तरीके हैं। आप हमसे फेसबुक पेज पे हमें फॉलो कर सकते, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज कर सकते, और वहाँ पे अगर आप मैसेज करते हो तो आपको पक्का रिप्लाई 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सही समझ में आ गया होगा कि स्विच प्लेट में, कौन से स्विच प्लेट में कितनी स्विचें लगाई जाती है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आ गए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।